हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है डीके टाइल्स में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी फ्रेम कैसे बनाते हैं, बाथरूम की फ्रेम कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हो इसमें पहले लोखंड की फ्रेम लगी हुई है इस बाथरूम में, इसको जंग खा गया है तो इन्होंने अभी पत्थर की फ्रेम लगवाना चाहते हैं। तो हम इसके लिए पत्थर को तैयार कर रहे हैं, ये मोल्डिंग बना रहे हैं। इसे अलग अलग एमरी लगाते हैं, 60 नंबर, 120, 220, 320 अलग अलग एमरी लगा के इनको मोल्डिंग धार पॉलिश करते हैं। आप देख सकते हो धार पॉलिश कर रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया धार पॉलिश होती है। इसको पॉलिश ला दिया गया है, अभी पॉलिश की हुई पत्थर है। और ये पहले दड़ा मारना पड़ता है लेवल निकाल के दोनों तरफ से, तो आप देख सकते हो कैसे खड़ा करना पड़ता है इसको, बारी फ्रेम को, बाथरूम की फ्रेम। इसमें क्या दरवाज़ा बढ़िया तरीके से लग जाएगा। और आप ये देख सकते हो दोनों एक लेवल से, लेवल पाइप से, लेवल टूटे से निकाल के लेवल और दोनों पिक्स माप के कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊपर एक माप का दरवाज़ा आ जाए, दरवाजे में दरवाज़ा फिटिंग करेंगे तब उसके नीचे जगह नहीं रहेगी, इसलिए इसको मेन चीज़ ये बढ़िया तरीके से देख करते हैं, इसमें आगे पीछे नहीं होगा दरवाज़ा आपका, इसलिए आप देख सकते हो। और फिर इस पत्थर के पीछे एरोडाइट लगाते हैं, ये एरोडाइट है पार्ट बी और पार्ट ए, ये दोनों एरोडाइट हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके लगाते हैं। इस वीडियो में हम आप बता रहे हैं, देख सकते हो कि किस तरह से मिक्स किया जाता है, किस तरह से पत्थर के ऊपर लगाया जाता है, वो सब हम इसके बारे में दिखाएंगे आपको। तो आप इसकी मिक्स करने का तरीका देखना, ये अच्छी तरीके से फिटिंग आती है। तो इसको खोल के दोनों पार्ट बराबर डालना पड़ता है, को एक बी पार्ट डाला और ये ए पार्ट डाल रहे हैं। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके लगाएंगे। तो आप इस रूडर लगाने के बाद पत्थर के ऊपर रेती डालते हैं, तो अच्छी तरह से सीमेंट को मिक्स पकड़ के रखती है। इस तरह से एरोडाइट मिक्स किया जाता है, आप ये देख सकते हो। और ये पत्थरों के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है। आप भी आपके घर में लगवाना चाहते हो तो इस तरह से एरोडाइट पीछे लगवाना चाहिए, उसमें क्या होता है पत्थर कभी निकलेगा नहीं। इस तरह से एरोडाइट लगा के सभी पत्थरों को पीछे की साइड में एरोडाइट लगा के और रेती डाल देना चाहिए, रेती बजरी आती है वो, ये डालने से क्या होता है पकड़ मजबूत होती है। और इसको एक दो घंटे या 12 घंटे सूखने दो, तो बहुत बढ़िया काम होता है इसमें, ये पकड़ ले लेती है। आप देख सकते हो इस तरह से रेती डाल के लगाते हैं। ये रेती डाली हुई उसके बाद एरोडाइट सीमेंट और केमिकल का मिक्स किया हुआ है, इन दोनों को लगा के अच्छी तरह से लगा फिटिंग होती है। फिर कभी दरवाज़ा भी फिटिंग करेंगे तो कभी निकलेगी नहीं, इसलिए वो पकड़ मजबूत हो जाती है इनकी। आप देख सकते हो इस तरीके से लगाते हैं बारी फ्रेम। दरवाज़ा एकदम फिटिंग में आ जाता है, कभी टूटे फूटे नहीं गया, इसलिए ओलंबा में करना पड़ता है। ये ओलंबा देख लो आप अच्छी तरह से। और हमारे वीडियो पर आप नए हो तो सदस्य ज़रूर लें और शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपको ऐसे ही वीडियो और लाएंगे, कैसे टाइल लगाई जाती है, कैसे किचन बनाया जाता है, ये फ्रेम अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। इसमें बाथरूम में पहले टाइल लगी हुई थी, इनको दरवाज़ा निकल गया था इसलिए फ्रेम बनवाई है, इसलिए आप देख सकते हो फ्रेम अच्छी तरह से बन चुकी है और ये इसमें दरवाज़ा फिट हो जाएगा अभी बहुत बढ़िया तरीके से।